चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ डीआरडीओ के बारे में जानेंगे, भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके बारे में जानेंगे और कुछ मिसाइलों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं, कैसे वो लॉन्च होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अग्नि प्राइम मिसाइल का हाल ही में अभी एक सफल प्रक्षेपण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। हालांकि 5 महीने पहले भी डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सक्सेसफुली लॉन्च किया था, तो न्यूज में ये इसलिए थी अग्नि प्राइम मिसाइल। अब ये जो अग्नि है, अग्नि नाम से मिसाइल तो हमने काफी सुनी है। हमारे देश के जो मिसाइल मैन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, और उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने हमारे देश को मिसाइलें दी। उनकी जो एक फेमस किताब है उसका नाम है अग्नि की उड़ान। उस अग्नि की उड़ान किताब में उन्होंने इसी अग्नि मिसाइल के सफर को बताया है। तो अग्नि हमारे पास पहले से इस नाम से मिसाइल है। इसके अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी की मिसाइल है। अग्नि प्राइम जो है अग्नि 1 और अग्नि 2 को का एक बेहतर रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया है, क्योंकि अग्नि 1 और 2 को बने हुए लगभग 20 साल से अधिक हो गए हैं। तो डीआरडीओ ने सोचा कि भाई क्यों ना हम 1 और 2 का एक रिप्लेसमेंट ले आते हैं जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे ज़्यादा दूरी मार्क करता हो और उसका नेविगेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो। तो अग्नि प्राइम जो है ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसमें सबसे बड़ी बात इसका जो नेविगेशन सिस्टम है कि एक बार आपने टारगेट को लॉक कर दिया उसके बाद वो टारगेट को हिट कर देगा। ये नेविगेशन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट का है, क्योंकि 2021 की टेक्नोलॉजी इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जबकि अग्नि 1 और 2 जो थी वो 20 साल पहले बनी हुई थी। तो ये तो तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर सकते हैं कि भाई उस समय की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी के मुकाबले काफ़ी कम कर रही होगी। तो अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसको लॉन्च किया डीआरडीओ ने। देखिए हमारे देश में जो भी मिसाइल लॉन्च होती है वो उड़ीसा से होती है, उड़ीसा से, और उड़ीसा में एक द्वीप है, एक आइलैंड है जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड। हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम को देखते हुए इस व्हीलर आइलैंड का नाम बदल के रख दिया गया APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। और इस आइलैंड में, इसी द्वीप में भारत की क्या है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज। यहां से डीआरडीओ अपनी सारी मिसाइल टेस्ट करता है, क्योंकि इधर हमें क्या मिल जाता है, समंदर मिल जाता है, बंगाली खाड़ी मिल जाता है, तो हमारे लिए आसानी होती है। अगर इन केस कुछ गलत हो गया, अनहोनी हो गया, तो हमारे पास बंगाली खाड़ी, हम वहां पे उसको गिरा सकते हैं। तो मिसाइल टेस्टिंग रेंज आपको मिलेगा उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड में। इसका एक्चुअल नाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। यहां से डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफल प्रक्षेपण यानी लॉन्चिंग की। अब जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि अग्नि की सीरीज है ये, और अग्नि की जो जो शुरुआत की 2 सीरीज है उनको ये रिप्लेस करने आया है। तो इसमें क्या खास है, इसमें खास क्या है, पहली चीज तो मैंने बताया कि अग्नि प्राइम जो है इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो काफी बढ़िया है, नेविगेशन सिस्टम काफी बढ़िया है। यानी एक बार आपने टारगेट को लॉक कर दिया और उसके बाद ही टारगेट को हिट करेगी। दूसरा, ये इसमें 2-स्टेज फ्यूल सिस्टम है, 2-स्टेज फ्यूल सिस्टम है, मतलब यहाँ पे जो ईंधन है, ईंधन की 2 अलग अलग टंकियां बनी हुई है कि पहले इस टंकी का ईंधन खत्म होगा फिर इसका चलेगा, और इसमें जो ईंधन यूज हुआ है वो कैसा यूज हुआ है, सॉलिड यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे जो ईंधन है वो ठोस ईंधन है। तीसरी, इसमें क्या खास बात है, इसमें ये जो है ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है, कैनिस्टर वाली मिसाइल है। कैनिस्टर क्या होता है,
आप लोगों ने अपने गांव में अपने घरों में स्टील का कनस्तर देखा होगा जिसमें तेल आता है, स्टील का कनस्तर देखा होगा और वो थोड़ा उसकी बॉडी मजबूत होती है, वो स्टील का होता है उसकी बॉडी मजबूत होती है, उसको कैसे भी गिराओ छोड़ो वो मजबूत रहता है। असल में ये जो कैनिस्टर है, ये शब्द मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मिसाइल को जब आपको लॉन्च करना है तो जब लॉन्च होगी तब तो ऐसी दिखेगी मिसाइल, लेकिन मिसाइल को एक जगह से मान लीजिए ए स्थान से बी स्थान पे लेकर जाना है, तो मिसाइल को आप ट्रकों से लेकर जाएंगे, तो मिसाइल को अगर हम जिस तरह की मिसाइल ही वैसे ही इसको इस ट्रक में रख दें तो रास्ते में इसमें खराबी आ सकती है, इसके कोई पार्ट्स खराब हो सकते हैं, रोड खराब हो सकती है, काफी किले डुले, इसके कोई पुर्जे, इसके कोई नट बोल्ट गिर जाए। तो मिसाइल को सुरक्षित बनाने के लिए मिसाइल का एक कवर बनाया गया है, जिस कवर को कहा जाता है कैनिस्टर, यानी ये काफी हार्ड बॉडी का कवर है जिसको कैनिस्टर कहा जाता है, और ये कैनिस्टर एक तरह से मिसाइल को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। साथ में ये जो कैनिस्टर है सिर्फ सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा रहा है, इस कैनिस्टर के अंदर नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, इस कैनिस्टर के अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, सॉलिड रबर होता है, यानी एक तरह से हमने अपनी मिसाइल को एक नई जान दे दी। एक जैसे आयरन मैन का सूट होता है, शक्तिमान का सूट होता है, उस तरह का एक सुरक्षा कवच इसको पहना के भेजा है। तो ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है, टू स्टेज सॉलिड फ्यूल है, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए जो इसका ईंधन की जो डब्बे हैं, जो ब्लॉक्स हैं, वो दो स्टेज के, पहले इसका खत्म मतलब इसका खत्म होगा फिर इसका यूज हो जाएगा। तो ये कुछ खास चीजें, और अल्टीमेटली अग्नि 1 और अग्नि 2 को का एक अच्छा वर्जन, एक अच्छा सब्स्टिट्यूट लाने के लिए अग्नि प्राइम को लॉन्च किया गया। अब अग्नि की जो सीरीज है, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक, इनकी रेंज के हिसाब से इनका नाम पड़ा है, इनकी रेंज के हिसाब से इनका नाम पड़ा है। उसको बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो मिसाइलें होती हैं वो अपनी चाल के हिसाब से, अपनी मूवमेंट के हिसाब से, और दो कैटेगरी में बांटी जाती हैं। मिसाइल अपने मूवमेंट मूवमेंट के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटी जाती हैं। एक मिसाइल को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी को कहते हैं क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये मिसाइल बना रहा हूँ, ये मिसाइल की पूरी बॉडी है और इसके आगे जो हिस्सा है जिसको मैंने ट्रायंगल शेप का बनाया है इसको पे लोड कहते हैं, पे लोड, और इसी में आपका जो गोला बारूद हथियार न्यूक्लियर बम ये होता है, और ये पे लोड जहां गिरता है वहां पे मिसाइल काफी ज्यादा नुकसान करती है। तो मिसाइल अपनी मूवमेंट के हिसाब से उनको अलग अलग नाम मिलता है, जैसे मैंने अग्नि का नाम लिया, अग्नि को मैं कह रहा हूँ कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, वहीं ब्रह्मोस का नाम अगर लूंगा तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। तो ये अपनी चाल के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से इनका नाम पड़ा है, मूवमेंट देख लेते हैं। जैसे जो मिसाइल पहले ऊपर जाती है और फिर वहां से नीचे आती है, यानी किस तरह का शेप फॉलो कर रही, पैराबोला वाला। आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, जब बॉल बहुत दूर होती है, आपको बॉल फेंकनी होती है तो पहले आप बॉल को ऊंचाई की ओर फेंकते हैं और फिर सामने वाले के पास बॉल चली जाती है। आप हम लोग ऐसा इसलिए फेंकते हैं कि जब ऊंचाई में बॉल चली जाएगी तो वहां से ग्रेविटी उसको बहुत तेजी से खींचेगी और वो बहुत तेजी से नीचे आएगी। तो इस तरह के मूवमेंट में जब कोई मिसाइल चलती है, इस तरह के मूवमेंट में, तो उस मिसाइल को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब एक बार वो धरती से लॉन्च होती है तो स्पेस में जाती, फिर वहां से नीचे आती बहुत तेजी से, और स्पेस तक ले जाने के लिए इसका जो ईंधन है वो उसको ले जाता है, वहां से फिर ये ग्रेविटी की इसको खींचती है और उसको ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो लंबी दूरी की होती हैं, लॉन्ग रेंज होती हैं, और ये बहुत हैवी हैवी पेलोड ले जा सकती हैं, बहुत हैवी पेलोड ले जा सकती हैं। जब ये लॉन्ग रेंज होती है तो ये कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा सकती हैं, इसीलिए इनको हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अग्नि 5, जो एशिया कॉन्टिनेंट से अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक जा सकती है, एशिया से यूरोप तक जा सकती है, इसलिए इसका नाम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आपने देखा कि इसकी रेंज ज्यादा होती है, इनका पेलोड ज्यादा होता है, ये कम दूरी में मार नहीं करती, लंबी दूरी पर जाती है। वहीं क्रूज मिसाइल की बात करेंगे तो क्रूज, जिस तरह आपने पानी में क्रूज देखा होगा चलते हुए, बिल्कुल सीधा पानी में चलता है। क्रूज मिसाइल क्या होती है,
जमीन से मान लीजिए यहाँ से उठी तो ऊपर गई और ऊपर जाके वो बिल्कुल सीधी हो जाती है और फिर अपने निशाने की ओर चलती है बिल्कुल सीधे। तो ये जो मिसाइल होती हैं इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है लेकिन इनकी रेंज कम होती है। इन मिसाइलों की स्पीड बहुत तेज होती है लेकिन इनकी रेंज कम होती है, और ये मिसाइलें ध्वनि की स्पीड से, साउंड की स्पीड से भी तेज जा सकती हैं। देखिए साउंड की स्पीड में कोई चीज चलती है, साउंड की स्पीड क्या होती है अगर हम सॉलिड में बात करें तो 332 मीटर पर सेकंड। तो ध्वनि की रफ्तार से भी ये तेज जा सकती हैं, और जब कोई, और ये जो ध्वनि की मैंने रफ्तार बताई है इसको 1 मैक भी कहते हैं, 1 मैक इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड, और इसको सोनिक भी कहा जाता है, सोनिक। तो ये जो क्रूज मिसाइल होती हैं ये सुपर सोनिक, हाइपर सोनिक हो सकती हैं, सुपर सोनिक भी हो सकती हैं, हाइपर सोनिक भी हो सकती हैं। जब कोई मिसाइल या जब कोई ऑब्जेक्ट ध्वनि से 5 मैक या उससे ज्यादा की रफ्तार से चले तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं, जब 2 मैक से लेकर 5 मैक तक की रफ्तार से चले तो उसे सुपर सोनिक कहते हैं, और जब 1 मैक से कम की रफ्तार में चले उसे सब सोनिक कहते हैं। तो ये जो मिसाइल्स होती है क्रूज मिसाइल, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, ध्वनि की रफ्तार से भी कई गुना रफ्तार से जा सकती है, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक स्पीड से जा सकती है, इनकी रेंज कम होती है, इनकी रेंज कम होती है। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है तो उसकी रेंज कम होती है क्योंकि ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर की है। वहीं अग्नि 5 की बात करेंगे तो 5,000 से 8,000 किलोमीटर की रेंज। तो बस ये एक बेसिक डिफरेंस है। बैलिस्टिक जो है इनका शेप, इनका जो चाल होता है वो पैराबोला शेप का होता है, इनकी रेंज बहुत होती है, ये पेलोड बहुत भारी ले जा सकते हैं। वही क्रूज मिसाइल पेलोड कम ले जा सकती है, रेंज कम होती है लेकिन इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो ये अपनी चाल की वजह से कुछ मिसाइल जैसे ब्रह्मोस हो गई, निर्भय हो गई, सागरिका हो गई, इनको क्रूज मिसाइल में डाला गया है। अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, त्रिशूल हो गई, नाग हो गई, इनको हमने बैलिस्टिक मिसाइल में डाला हुआ है। अब अग्नि मिसाइल की बात कर लेते हैं। तो अग्नि की उड़ान किताब किसने लिखी? अब्दुल कलाम ने। अब्दुल कलाम साहब को ये DRDO के जब चीफ साइंटिस्ट थे तब 1983 में इनको एक काम दिया गया कि साहब हमारे देश में मिसाइलें नहीं है, हम जो मिसाइल यूज कर रहे हैं वो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, तो हमें अपनी आत्मनिर्भर बनना है, हमें देशी मिसाइलें चाहिए। और एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके मुखिया बनाए गए उस समय के DRDO के चीफ और भारत के सबसे चहेते राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। और इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत हमारे देश को 5 बड़ी मिसाइलें दी जिनका शॉर्ट फॉर्म है पटना, और इन में सबसे पहली जो थी वो थी अग्नि। इन्हीं इनके इसी प्रोग्राम की वजह से, इनकी इतनी दूरदर्शिता की वजह से, इतने बड़े योगदान की वजह से अब्दुल कलाम साहब को हम देश के मिसाइल मैन कहते हैं। तो अग्नि मिसाइल की हम बात जब कर रहे हैं तो मैंने बोला अग्नि 1, 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 में भी काम चल रहा है, लेकिन अब इसके बारे में रिवील नहीं किया गया है। तो ये जो अग्नि 1 से लेकर 5 तक की है, ये जैसे मैंने बोला ये बैलिस्टिक मिसाइल है तो इनकी रेंज बहुत ज्यादा होगी, ये वजन बहुत ज्यादा ले सकती हैं, तो ये न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकती हैं, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और हम इन अग्नि मिसाइल का छोटा वर्जन है, जो अग्नि अग्नि मिसाइल है उनसे हम न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं, और जो पृथ्वी मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, इससे भी हम न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं। और पृथ्वी को तो हम सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं, और अपने जमीन से तो लॉन्च कर ही सकते हैं। अग्नि 5 के बारे में जैसे मैंने बात की, लगभग 5,000 से 8,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकती है, इसलिए इसको ICBM भी कहते हैं, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अब बात कर लेते हैं इनकी रेंज के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कैनिस्टर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे अग्नि 1 की जो रेंज है 700 से 800 किलोमीटर की है, अग्नि 2 की 2,000 किलोमीटर की रेंज है, और इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए अग्नि प्राइम आई है।
अब आप बोलेंगे सर आपने अग्नि प्राइम की भी रेंज तो बताई नहीं, क्योंकि डीआरडीओ ने अभी तक रेंज नहीं बताई अग्नि प्राइम की, लेकिन ये है कि इसके परीक्षण सफल रहे। तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहाँ से इसके परीक्षण सफल रहे। अग्नि 3 लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज है, 4 की 3500 तक की रेंज है, और 5 जो है ये 5000 तक की रेंज है। तो दुनिया को हम 5000 बताते हैं, लेकिन वैसे अनऑफिशियली 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, इसमें आप देखिएगा कि इनकी रेंज कितनी दूर दूर तक जाती है। इसमें हमने जो हमारे पास बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं उनकी रेंज लिखी है, और इस रेंज में आप देखिए ये आपका भारत है, ये आपका भारत है। अब यहाँ पे हमने कुछ मिसाइलों का जिक्र किया है यहाँ पे, और उनके रेंज के हिसाब से आप देखेंगे, जैसे अग्नि ये वाली जो है ये अग्नि 5 है, अग्नि 5 ठीक है। और इसकी रेंज देखिए, ये जो लाल घेरा है इसकी रेंज का, इसकी रेंज देखिए पूरी अफ्रीका को टच कर रही, यूरोप को टच कर रही, इधर साउथ कोरिया जापान तक, जापान क्या उधर पैसिफिक ओशन तक जा रही। तो ये हमारी मिसाइलों की रेंज है, ये मिसाइलों की रेंज है। प्रहार 150 किलोमीटर की रेंज है, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जैसे मतलब 300 किलोमीटर 290 किलोमीटर एग्जैक्ट बात करें, पृथ्वी 350, अग्नि 1 की रेंज, ये सब रेंज है। इनके रंगों के हिसाब से किन किन देशों को हम कवर कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। एक बार इसको देखिएगा रुक के कि हमारी मिसाइलों की क्या क्या रेंज है। इसलिए अग्नि 5 का जब भी टेस्ट होता है तो चाइना बड़ा परेशान हो जाता है, और वो बार बार भारत को कहता है कि भारत अग्नि 5 की जो रेंज है कम बताता है, अग्नि 5 की रेंज तो बहुत ज्यादा है। खैर, डीआरडीओ ने पिछले 2-3 महीनों में जैसे ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है इसका एयर वर्जन, यानी जिसको हम एयरप्लेन से लॉन्च कर सके, इसका एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है। वर्चुअल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ये वर्चुअल लॉन्च क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पानी का जहाज है, पानी के जहाज में हमने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लगाया और इस प्लेटफॉर्म में हमने एक मिसाइल ऐसी खड़ी कर दी, तो इसी प्लेटफॉर्म से मिसाइल लॉन्च हो जाए, इसे कहते हैं वर्टिकल लॉन्च। इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, हमने सबमरीन से, हमने अपने पानी के जहाज से इसको लॉन्च कर दिया। ये कौन सी मिसाइल है, वर्टिकल लॉन्च, और ये हम बेसिकली किस में यूज करेंगे, हमारे जो पानी के जहाज है इंडियन नेवी इसको यूज करेगी। अब अब्दुल कलाम साहब, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने 1983 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, हमारे देश को एक से बढ़कर एक मिसाइल दी, क्योंकि मिसाइल हमारे देश की किसी भी देश की रक्षा के लिए काफी जरूरी चीज है। अगर आपके पास मिसाइल है तो आप डिटरेंट मेंटेन कर सकते हैं, मतलब आप अपने पड़ोसी मुल्क में जिसे कहते हैं डर बना के रख सकते हैं कि भाई हम पे अटैक मत करना, हमारे पास मिसाइल है। और भारत के पास तो अब न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। देखिए मिसाइल में कोई मिसाइल न्यूक्लियर पावर नहीं होती, मिसाइल का जो पेलोड होता है इसे पेलोड कहते हैं। इस पेलोड में आप जो रख दोगे वैसी मिसाइल हो जाएगी। बायोलॉजिकल वेपन रख दोगे तो बायोलॉजिकल वेपन वाली मिसाइल हो जाएगी, न्यूक्लियर रखोगे न्यूक्लियर मिसाइल हो जाएगी। तो भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। तो ये जो प्रोग्राम था इसमें इसका शॉर्ट फॉर्म है पटना, हमने 5 बड़ी मिसाइल हमें अब्दुल कलाम साहब ने दी। पृथ्वी की शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस, मतलब जमीन से चली जमीन में गिरी, बैलिस्टिक मिसाइल है, इस तरह का इनका वो रहेगा मूवमेंट। अग्नि के बारे में बात कर ली, 1, 2, 3, 4, 5 रेंज है, ये भी सरफेस टू सरफेस है। त्रिशूल ये सरफेस टू एयर है, भाई शंकर भगवान का जो अस्त्र है त्रिशूल वो फेंक के मारते हैं, तो ये सरफेस टू एयर है, इसकी भी रेंज कम है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है, और इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहते हैं, कि एक बार दाग दो फिर भूल जाओ, हिंदी में कहते हैं दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ, एक बार अपने दुश्मन का जो नेविगेशन है जो डिटेल है उसको लॉक कर दो, उसके बाद आपकी मिसाइल तो उसको धूल के मारेगी। आकाश, नाम में आकाश है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब जमीन से चली और आसमान में कोई भी चीज़ है उसको हिट कर दी। तो ये जो पटना है, ये हमने इसका शॉर्ट फॉर्म पटना रखा है, ये जो पटना है ये 5 मिसाइल को देने वाला जो व्यक्ति थे जिनके सुपरविजन में ये काम हुआ वो थे अब्दुल कलाम साहब, इसलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जनता इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, पीपल्स प्रेसिडेंट यानी जनता के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को। अब मिसाइल हिस्ट्री जो है हमारे देश की उसके बारे में जान लें। देखिए टीपू सुल्तान, मैसूर का राजा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किया था, और उसके जो रॉकेट थे
वो लोहे के बने हुए थे। इसलिए भारत में मिसाइल के जनक हम किसको मानते हैं, अगर पुराने जनक की बात की जाए तो टीपू सुल्तान को माना जाता है। लेकिन आज़ाद जब हुए तब हमारे देश में मिसाइलें नहीं बनती, और हमें जरूरत आन पड़ी क्योंकि भाई हमारे बगल में चाइना है और इधर पाकिस्तान, तो दोनों के साथ हमारे युद्ध हो चुके। तो सरकार ने स्पेशल टीम बनाई, उसका नाम था स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम 1958 में। उनसे बोला कि भाई आप काम करना शुरू करिए, मिसाइल कैसे बनी है देश। बाद में इसी का नाम रख दिया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो पहले दिल्ली में थी और उसको हैदराबाद शिफ्ट किया गया। 1972 में प्रोजेक्ट चलाया गया, उसका नाम था प्रोजेक्ट डेविल, यानी प्रोजेक्ट शैतान। और उसके तहत ये था कि भाई हमें अपने देश में सरफेस टू सरफेस मिसाइल बनानी है मीडियम रेंज की। लेकिन हमें कुछ खास सफलता मिल नहीं रही थी। फिर आए अब्दुल कलाम साहब और उन्होंने 1983 में जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चालू हुआ, और उसके बाद देखते ही देखते एक से बढ़कर एक हमें मिसाइलें मिलना शुरू हो गई। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम मिसाइल जब भी आए तो मिसाइल का एक पर्यायवाची हो गया DRDO, मतलब मेरे देश में हर तरह की मिसाइल को डेवलप कर रहा है। और लगभग 5,000 साइंटिस्ट वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं, और हमारे देश के रक्षा से जुड़े हुए, डिफेंस से जुड़े हुए हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को ये बना के दे, लगभग 25,000 अदर वर्कर्स इनके साथ काम कर रहे हैं। वर्तमान में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी नाम करूं तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, और वर्तमान में इसके मुखिया हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। 1958 में इसकी स्थापना हुई, तब इंडियन आर्मी की जो टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट था उसको, और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन का जो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को मिलाकर DRDO की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और देश भर में इसकी 10 लैब हैं। शुरुआत में ये 10 लैब से शुरुआत हुआ था, देश भर में 52 लैब हैं। और रक्षा से जुड़े हुए हर तरह के सामान, चाहे वो एरोनॉटिक्स का सामान हो, हथियार हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, लड़ाई के कॉम्बैट व्हीकल्स हो, इंजीनियरिंग सिस्टम्स हो, मिसाइल हो, एडवांस कंप्यूटिंग हो, स्पेशल यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, डिफेंस से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ को DRDO डेवलप कर रहा है, और काफ़ी बड़ी टीम इसके साथ काम कर रही है। और ये जो डिफेंस की बात है, ये पानी के अंदर, पानी और जमीन पे, हवा में, हर तरह के इक्विपमेंट्स, हर तरह के वेपन्स जो भी देश में बन सकते हैं वो उसके लिए बना रही है और काम कर रही है। राडार हो गया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गया, यानी हल्के लड़ाकू विमान, मिसाइल्स, आर्मामेंट्स, ये सब DRDO बनाता है। तो DRDO आपके पेपर 3 में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है। इसका मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है DRDO का, कि भाई हम अपने देश में स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जो वेपन्स हैं, जो डिफेंस से जुड़े हुए सामान हैं, उनको डिजाइन भी करें, डेवलप भी करें, पैदा भी करो, दुनिया को बेचे भी। ये इसका मेन मिशन है, जिससे हमारा जो डिफेंस है, हमारा जो रक्षा है, वो काफ़ी मजबूत हो जाए। देखिए पिछले 5 साल में हमारे जो रक्षा निर्यात है, यानी डिफेंस एक्सपोर्ट, वो 5 गुना हो गए। पिछले 5 साल में हमारे जो रक्षा निर्यात है वो 5 गुना हो गए, 2 दिन पहले रिपोर्ट आई। इसमें बहुत बड़ा योगदान आपके DRDO है। DRDO बहुत सारी ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो हम दुनिया भर के देशों को बेच भी रहे हैं, जो हम बेच रहे हैं, चाहे वो मिसाइल की बात हो, चाहे ब्लड प्रूफ जैकेट्स की बात हो, चाहे राडार्स की बात हो, चाहे LCA तेजस की बात हो, तो हम बेच रहे हैं। पिछले 5 साल में हमारा रक्षा निर्यात 5 गुना हो गया है, और अब हम डिफेंस निर्यात में 23वीं रैंक आने लग गई हमारी। पहले हमारी रैंक नहीं बनती थी, अब हम कम से कम 23वीं रैंक में तो आ गए। एक संस्था है, उसका नाम है सिप्री, सिप्री नाम की संस्था है। और ये जो संस्था है सिप्री, ये कहाँ बेस्ड है, ये आपको मिलेगी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। वहाँ की संस्था हर साल एक रिपोर्ट निकालती है। इस रिपोर्ट में बताती है कि दुनिया के किन देशों ने कितना आयात किया, किस चीज का आयात किया, डिफेंस का आयात किया,
और पिछले चार सालों में हम नंबर वन पे थे कि मतलब हम रक्षा सामान को आयात करने में दुनिया में नंबर वन पे थे। अभी हम नंबर टू पे खिसके हैं, धीमे धीमे हमारी रैंक नीचे गिर रही है और हम चाहते हैं कि नंबर टेन से बाहर आ जाए। हम दुनिया से सामान खरीदे नहीं, हम दुनिया को सामान बेचे। हम इसके लिए काम कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान आपके डीआरडीओ का है। अच्छा, मध्य प्रदेश को लेकर स्पेशल एक बात बताऊं तो डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है वहां पे एक गांव है कैलारस, कैलारस में डीआरडीओ अपनी एक रिसर्च लैब खोल रहा है। डीआरडीओ मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कैलारस वाले खंड में अपनी एक रिसर्च लैब खोल रहा है। तो जब हमने बात की ना कि देश भर में 52 इनकी लेबोरेटरीज है, तो अब इनकी लेबोरेटरी में एक नाम आएगा मध्य प्रदेश के कैलारस का, जो कि मुरैना जिले में। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने 350 हेक्टेयर जमीन भी दे दी। तो डीआरडीओ जो है हमारे देश के डिफेंस को मजबूत करने के लिए दिन रात बराबर काम कर रहा है, चाहे वो बंदूक की गोली हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, राडार सिस्टम हो, हमारे एयरक्राफ्ट हो, हमारी सबमरीन हो, हमारी जो वॉरशिप है, डिस्ट्रॉयर शिप है, हमारे आर्मी के व्हीकल्स है, कॉम्बैट व्हीकल्स है, तोप है, टैंक है, गन्स हैं, सब कहीं ना कहीं डीआरडीओ का उसमें योगदान है। अब बात कर लेते हैं कुछ सवालों की, देखते हैं आप लोगों को क्या समझ में आया। देखिए, इसमें बोला है अग्नि 5 मिसाइल के बारे में क्या सही नहीं है, नॉट ट्रू। पहला है कि क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही बात, ये बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाती है। इसको हमने भारत में ही बनाया है, बिल्कुल सही बात है। इसकी रेंज 5,000 से 6,000 किलोमीटर, ठीक है, लिख सकते हैं। हाउ इट रन बाय लिक्विड फ्यूल, गलत, इसमें सॉलिड फ्यूल डलता है। और ये हमने अग्नि प्राइम में भी देखा, अग्नि सीरीज में सॉलिड फ्यूल मिलेगा, लिक्विड फ्यूल नहीं मिलेगा। निम्न में से किस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत में काम करते हैं, तो दागो और भूल जाओ, ये मैंने नाग के बारे में आपको बताया। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल, यानी दुश्मन का अगर टैंक आ गया आपके सामने, उस टैंक को ये उड़ा देगी नाग, एंटी टैंक मिसाइल है, एटीएम कहते हैं इसको। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, आकाश हमने देखा ये बैलिस्टिक मिसाइल है, शौर्य भी क्रूज मिसाइल, लगभग 1700 किलोमीटर की रेंज। तो फायर एंड फॉरगेट थ्योरी पे कौन काम करता है, नाग मिसाइल काम करती है। अगले सवाल पे देखते हैं कौन सा कथन गलत है, नॉट ट्रू। निर्भय मिसाइल जो है 1,000 किलोमीटर की रेंज है, बिल्कुल सही मिसाइल है, मतलब स्टेटमेंट है। और ये भी एक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को डीआरडीओ ने डेवलप किया है, बिल्कुल। अच्छा, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस इसका एम कैपिटल आता है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रशिया मिलकर इसको बना रहे हैं, बन चुकी है अब तो ये। और इसको हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से इसको यूज कर सकते हैं। और भारत में एक नदी है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसका ये नाम है ब्रह्म। और रशिया एक नदी है मोस्कवा, तो ये भारत और रशिया का एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है ब्रह्मोस मिसाइल। अस्त्र एयर टू सरफेस मिसाइल है, अस्त्र जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा, मतलब जो हमारा फाइटर प्लेन है वही लॉन्च करेगा और सामने वाले फाइटर प्लेन पर हिट कर देगा। तो ये इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, अग्नि 3 की रेंज 3 से 5 है, ये भी सही है। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने मिसाइल के बारे में जाना, इनके टाइप्स के बारे में जाना, आपने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जाना, आपने अग्नि सीरीज के बारे में जाना, आपने और प्रकार के जो मिसाइल है उसके बारे में जाना, आपने डीआरडीओ के काम के बारे में जाना, नाम के बारे में जाना, और डीआरडीओ का एमपी से जो कनेक्शन है उसके बारे में जाना। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन।